ईच एरर का। अब ईच एरर का फॉर्मूला लगा के इसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, आगे की तरफ ड्रैग। तो ड्रैग करते अब देख रहा है ट्रू 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 हो गया फॉल्स, लेकिन मुझे उल्टा करना चाहिए। तो मुझे इसको करना चाहिए था ट्रू, बाकी को करना चाहिए था फॉल्स। तो क्या करेंगे, ये बताया था एग्जांपल कि नहीं आप लोगों को मैं? बताया था, तो फिर क्यों नहीं हुआ आप लोगों से? फिर यहाँ पे हम फॉर्मा लगाएंगे किसका, मैच का। मैच में मैच का ट्रू को रिकॉर्ड करेंगे, मैच मैच में हम ट्रू को ढूंढेंगे और फिर यहाँ लुकअप को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा जीरो, एंटर, चार आ गया। जी फिर यहाँ पे हम सम का फॉर्मा लगाएंगे और इन सबों को सेलेक्ट करके मल्टीप्लाई बाय वन करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय वन, एंटर प्रेस किए तो आ गया फोर। मतलब मिड फॉर्मूले के अंदर लगाएंगे और इसमें से फोर करेक्टर से शुरू होके नंबर ऑफ फोर को उठाना है। सिंपल, अब इसी चीज को एरे में करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से नंबर स्ट्रैक करने के लिए लगाते हैं फॉर्मूला, क्योंकि फाइनल फॉर्मूला हमारा मिड दे रहा है। तो मिड में सबसे पहले तो मैंने लगाया फॉर्म, इसको टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और फिर लगाया फॉर्मूला मैच का। मैच फॉर्मूले में मुझे ट्रू को ढूंढना है, तो ट्रू का फॉर्मूला लगाया और फिर इस ट्रू के अंदर वापस मैंने फॉर्मूला दिया नॉट का, नॉट में फॉर्मूला दिया इच एरर का, इच एरर के अंदर फॉर्मूला दिया वापस मिड का, और मिड में हमने इसको सेलेक्ट किया और हमने लगाया कॉलन का फॉर्मूला। कॉलन में वन बाय वन हमने दे दिया और यहाँ पे कॉमा वन, फिर मिड के रिजल्ट को मल्टीप्लाई बाय वन कर दिया। फिर इज एरर को क्लोज किया, नॉट को क्लोज किया और यहाँ पे लुकअप वैल्यू में मैंने कर दिया जीरो। उसके बाद नंबर करेक्टर में लगाएंगे सेम सम का फॉर्मूला और सम के फॉर्मूले में सेम नॉट का फॉर्मूला। नॉट